नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट। और इनसाइट में हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका की मैत्री के। जी हां, आस्था का कुंभ चल रहा है उज्जैन में। सिंहस्थ कुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इन श्रद्धालुओं में एक नाम जुड़ गया है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का। जी हां, वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है सिंहस्थ कुंभ को लेकर, वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे सिंहस्थ कुंभ में। आस्था की ये डुबकी भारत और श्रीलंका की मैत्री को कितना मजबूत बनाएगी, इसी पर है हमारा आज का इनसाइट। जी, हमारा इनसाइट आस्था और मित्रता, और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, अपने खास मेहमानों के साथ। और उनका परिचय मैं करा देता हूं। श्रीराम चौलिया जी हैं डीन जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एस वेंकट नारायण जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने मुद्दा तो सुन ही लिया होगा, जिस तरीके से एक के बाद एक जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लगातार जो है भारत के दौरे पर आते हैं, और भारत के दौरे पर ही नहीं आते बल्कि जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आस्था में जो आस्था का जो संबंध है उनका भारत और श्रीलंका के साथ, संबंधों के साथ, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है वो लगातार इस्तेमाल करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अब जो है राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना जो हैं सिंहस्थ कुंभ में पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है कार्यक्रम में शिरकत तो कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सार्वभौम अमृत संदेश आज दे रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें शिरकत कर रहे हैं। और बाद में वो जो है शिप्रा नदी में जो है आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। ये आस्था की डुबकी कितना प्रगाढ़ बनाएगी भारत और श्रीलंका के संबंधों को, भारत और श्रीलंका की मैत्री को? जी प्रतिबिंब, वैसे तो बहुत ही पुराने प्राचीन काल से चलते आ रही है हमारी जो संबंध है, तो एक तरह से एक आधुनिक युग में उन प्राचीन संबंधों को याद कराना और उनको तरोताज़ा करना और उस पर एक तरह से मैत्री बढ़ाना, ये मोदी जी की खासियत है। ये उनकी जो सांस्कृतिक कूटनीति है जी, और पहले भी उन्होंने किया है, जैसे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के वो गंगा घाट ले गए थे कुछ महीनों पहले। तो इसी तरह एक तरह से जो भारत का जो सांस्कृतिक शक्ति है, जो धरोहर है, वो भी उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। और साथ साथ श्रीलंका का देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका के जो सिंहलीज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो आप पुराने ज़माने में चले जाएं तो उनका जो मूल है वो हमारे पूर्वी भारत से ही है, जो आज हम उड़ीसा बंगाल वगैरह कहते हैं वहीं से निकले हैं वो। और दूसरा जो कम्युनिटी है वहाँ पे तमिल जो है वासी है, माइनॉरिटी है, वो हमारे तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से देखिए, भारत ही भारत से ही श्रीलंका पैदा हुआ है एक तरह से आप देखें जी। तो वो जो भारत आज जो बना हुआ है, जो एक नेशन स्टेट है, तो उससे भी एक मोदी जी आगे जाना चाह रहे हैं कि भारत एक सांस्कृतिक रूप में भी उसको देख जाना चाहिए। और ये जो सिंहस्थ कुंभ है जिसमें आए हैं मैत्रीपाला, उनके साथ साथ श्रीलंका के जो विपक्ष के नेता हैं संबंधन, वो भी आए हैं और वो तमिल नेशनल अलायंस के प्रमुख हैं, तो सिंगलीज और तमिल दोनों भी शामिल हैं, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हैं। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा मूव है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब इनसे मिले थे श्रीलंकन प्रेसिडेंट से, कि हम रिकन्सिलिएशन, आपके जो अंदरूनी जो भेदभाव हैं उसमें भी हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जंग हुई है वहाँ पे बहुत सालों से और बहुत मारकाट हुई है, और अब जाकर एक शांति की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है, तो उसमें भारत के कई अपने कंसर्न्स हैं। तो एक मेरे ख्याल से सिंबॉलिक तौर पे ये बहुत बड़ा कदम है जी। वेंकट नारायण जी, जैसे कि श्रीराम जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री जब से बने हैं लगातार उन्होंने कोशिश की है कि सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाए, जिससे मैत्री जो है और भी जो है मजबूत हो, केवल श्रीलंका के साथ ही नहीं बल्कि नेपाल के साथ और अन्य तमाम जो देश हैं। और अपना उन्होंने ये परिचय जो है जब वो प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ले रहे थे उसी दौरान सार्क देशों के जितने भी नेता हैं उनको जो है आमंत्रित किया था, वो आए भी थे बाकायदा, और इसकी जो है खासी तारीफ भी होती रही है। लेकिन श्रीलंका के अगर नेताओं की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्रियों की बात करें, वो भी जो है लगातार जो है भारत की यात्रा पर आते रहे हैं। अगर मैत्रीपाला जी की बात करें, वो जो है पहले भी आ चुके हैं फरवरी 2015 में, जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और उन्होंने पहली यात्रा जो है वो भारत की, और उस दौरान भी वेंकटेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर जो है उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की।
जी बालाजी को लॉर्ड वेंकटेश्वरा को श्रीलंका में बहुत से लोग मानते हैं। साई बाबा पुट्टपर्ती के वो भी जी बहुत मशहूर है वहाँ। और ये कल्चरल डिप्लोमेसी जो है हम पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन पहले नेताओं को इसके बारे में शायद कोई ख़ास सूझा नहीं। जी हमें बेहद खुशी है कि मोदी जी इसके बारे में कल्चरली पूरा साउथ एशिया, जी क्योंकि साउथ एशिया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहे हैं, तो उस समय इंडिया माना जाता था और ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन समझा जाता था। तो ये सब मिलके एक सामूहिक कम्युनिटी है। मतलब हिंदुइज्म था ही शुरू से मोर देन 8,000 जी इयर्स, फिर बाद में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। और इंडिया ऐसा देश है जहाँ हर एक रिलीजन के लोग रहते जी हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को, अब जब मोदी जी श्रीलंका गए थे वहाँ अनुराधापुरा गए थे, जब ये जापान गए थे वहाँ भी एक बुद्धिस्ट श्राइन में जाके पूजा जी किए थे, जी जब नेपाल गए थे वहाँ स्वयंभू और पशुपतिनाथ मंदिर भी जाके वहाँ पूजा किए थे। कहने का मतलब ये है यूएई में भी बाकायदा वो पहली मस्जिद बार मस्जिद में संभवतः कोई प्रधानमंत्री गया था बिल्कुल किसी बिल्कुल मस्जिद में। जी। और ये बात यह है कि रिलीजन जो है हर एक इंसान के ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और मोदी जी इस बात को पहचाने हैं और रिलीजियसली भी लोगों को कि भाई भारत ऐसा देश है, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। जी और ऐसा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मेजॉरिटी 80% 75% के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, जी लेकिन वो सेक्युलर नहीं कहलाते। जी काफ़ी लोग, कोई बुद्धिस्ट रिपब्लिक है, कोई इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन भारत को गर्व है कि हम एक एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ सब रिलीजन्स को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और सो ये कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत अच्छी बात है। मैं उनको मैं आई हैव टू प्रेज हिम दैट ही इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। जी श्रीराम जी, ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति कि जो ये यात्रा है और कुंभ में जो है वो आस्था का स्नान भी करने वाले हैं, तो ये क्या कल्चरल डिप्लोमेसी है सिर्फ या फिर श्रद्धा भाव भी जो है कहीं ना कहीं रखती है? जी देखिए, एक जैसे निजी तौर पे तो जैसे साथी ने कहा कि जी होते भी हैं, इनके ये मानते भी हैं हमारे जो बल्कि अब देखिए सिरिसेना खुद बुद्धिस्ट हैं, जी लेकिन वो एक सो कॉल्ड हिंदू समागम में आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो सारनाथ भी जा रहे हैं जहाँ पे एक बहुत पुराने श्रीलंका के बड़े माहिर बुद्धिस्ट सेंट हैं, धर्मपाल, अनागारिक धर्मपाल। वो 19वीं सदी में भारत आए थे और महाबोधि, ये जो एक सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, और बुद्धिज्म को एक तरह से रिवाइव किया, और स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी उनके संबंध थे। तो धर्मपाला के नाम पे भी एक कोई उद्घाटन करने वाले हैं आज प्रेसिडेंट सिरिसेना। जी तो बुद्धिज्म भी शामिल हो गया इसमें, हिंदुइज्म है ही, तो एक तरह से मेरे ख्याल से बिल्कुल श्रद्धा है। और मैंने देखा है कई श्रीलंका, इवन राजपक्षे जो हमारे भारत के काफ़ी खिलाफ, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ चले थे, जो जी पिछले उनके राष्ट्रपति थे, जी पर्सनल लेवल पे, निजी लेवल पे, वो भी हमारे मंदिरों में और यहाँ माथा टेकना जी वगैरह जी करते ही थे। जी तो ये है हमारा एडवांटेज। और जबकि अब बात चली है कि चीन हावी हो रहा है श्रीलंका पे, और क्या हो सकता है चीन हमारे हमसे छीन लेगा श्रीलंका, लेकिन चीन के पास ये नहीं है जो मोदी जी हमें दिखा रहे हैं आज। चीन कभी कोई कुंभ नहीं कर सकता है, वहाँ पे कम्युनिस्ट रेजिम बैठी हुई है, और उनकी जो बुद्धिज्म है वो हमारे जो दक्षिण एशिया की बुद्धिज्म से काफ़ी हटकर है चीन की। वैसे भी उन्होंने दबा के रखा हुआ है दलाई लामा वगैरह को। तो एक तरह से लोगों के पीपल टू पीपल जो सांस्कृतिक जो संबंध है वो मोदी जी मैक्सिमाइज कर रहे हैं हमारे लिए, और उसमें हमारा एडवांटेज है, क्योंकि पैसों में तो हम चीन से काफ़ी पीछे हैं। निवेश वगैरह तो चीन बहुत ज़्यादा कर रहा है श्रीलंका में, और वो शायद रुकेगा भी नहीं, क्योंकि श्रीलंका भी चाहता है वहाँ से पैसा आए उनके आर्थिक विकास वगैरह के लिए, जी और एक तरह से वो बैलेंसिंग गेम भी खेलते हैं जो छोटे मुल्क होते हैं हमारे पड़ोस में। जी जी तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मोदी जी का जो रवैया है कि पॉजिटिव, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो जिसमें हम आगे हैं चीन से, उस पर तवज्जो दो, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस करें। तो मेरे ख्याल से ये जो सांस्कृतिक डिप्लोमेसी है ये ज़रूरी है। जैसे कह रहे थे कि पूरी जो दक्षिण एशिया है उसको एक, अगर हमें जोड़ना है और भारत को उसका केंद्र बिंदु बनाना है, तो उसके लिए सांस्कृतिक ये जो डिप्लोमेसी है, ये सांस्कृतिक कूटनीति बहुत ज़रूरी है। नारायण सर, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी
बहुत सारी परेशानियां हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों को लेकर। क्या सांस्कृतिक डिप्लोमेसी से उन चुनौतियों पर, उन परेशानियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, या फिर उन परेशानियों और चुनौतियों को जो है दरकिनार किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि कल्चरल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल रिलेशंस, कल्चरल डिप्लोमेसी के ज़रिए से हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कभी भी नहीं करना चाहिए। जी, अगर आप श्रीलंका जाएं, अब सीता एलिया बोल के जहाँ रावण सीता जी को लेके वहाँ रखे थे, वो अभी भी लाखों लोग जाते हैं। भारत से 3.25 लाख लोग हर साल इंडिया से श्रीलंका टूरिस्ट जैसे जाते हैं, और वहाँ सीता एलिया बिल्कुल जाके वहाँ पूजा करके आते हैं। इसी तरह लाखों श्रीलंकन बुद्धिस्ट गया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, और हालांकि हर श्रीलंका के अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जब भी इंडिया आते हैं वो गया जाया करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, सब कम्युनिटी, सब रिलीजन्स के लोग यहाँ मिलके प्यार से रहते हैं। जी, तो श्रीलंका के लोग जो बुद्धिस्ट यहाँ आते हैं, देखते हैं कि सब लोग मिलके कैसे रह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम जाते हैं वहाँ, और लोग जब उनको पता चलता है कि हम भारत से गए हुए हैं, बहुत इज्जत देते हैं। जी, क्योंकि एक बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धन ने मेरे से कहा कि मैं भारत को बहुत चाहता हूँ। हमने पूछा, व्हाई डू यू लाइक इंडिया? उन्होंने कहा, बिकॉज इंडिया गेव बर्थ टू ए ग्रेट सन्स लाइक गौतम बुद्ध एंड महात्मा गांधी। जी, दैट्स व्हाई आई लव इंडिया। सो जब भी हम जाते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर वाला, वो भारत के फिल्म स्टार्स के बारे में पूछते हैं, शाहरुख खान जी कैसे हैं, सलमान खान जी कैसे हैं, हालांकि हिंदी समझते नहीं हैं। तो ये बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसका भी सारे एक, इट्स ए पार्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। सो आप दुनिया में कहीं भी जाएं, कि हॉलीवुड से ऑलमोस्ट इक्वली बॉलीवुड का भी महत्व रहता है। सो इट्स ए पार्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, ये बहुत अच्छी बात है। श्री राम जी, सनातन धर्म से ही जो है बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है कुछ दूरियां जो है पैदा हो गई थी सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में, और क्या फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसका कितना लाभ जो है भारत और श्रीलंका की मैत्री को मिल पाएगा? जी हाँ, मोदी जी की पहल है कि एक बुद्धिस्ट सर्किट जो कहते हैं हम, पिलग्रिमेज सर्किट, जो नेपाल का हिस्सा आ गया, भारत के मेन सेंटर्स हैं श्रीलंका में हैं, कुछ दक्षिण एशिया के दूसरे अन्य देशों में हैं, कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में हैं, इन सबको जोड़ के एक सांस्कृतिक एक यूनिट बनाया जाए, और इसी पे चर्चा चल रही है टूरिज्म प्रमोशन में भी। एक तो रामायण का जो ट्रेल है जिसमें श्रीलंका के श्रद्धालु आ सकें, और बुद्धिस्ट सर्किट जो यू नो, तो दोनों तरफा जो ट्रैफिक है, मूवमेंट है, वो ज़्यादा बढ़ पाएंगी। तो या ये बेहद ज़रूरी भी हैं, क्योंकि लोगों में ये बहुत विश्वास है आम लोगों पे। पिछले जो, अगर आप मान लीजिए कूटनीति एक लेवल पे की जाए कि सिर्फ हम आर्थिक और राजनीतिक मामलों पे ही रुक जाएं, और संस्कृति तो खैर ऐसे ही इसका जिक्र कर लें कि हम प्राचीन सभ्यताएं और बहुत पुराने रिश्ते वगैरह वगैरह, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे मोदी जी ने किया है पिछले 2 सालों में, और उससे आम लोगों के मनों में नरेंद्र मोदी जी और भारत का एक स्थान बढ़ा है। वो देखिए, अब जब पशुपतिनाथ अगर गए वो नेपाल में, तो उससे देखिए नेपाल के साथ थोड़े उतार चढ़ाव हुए हैं हमारे रिश्तों में, लेकिन आम लोगों में एक भावना है कि भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। और पिछले जो सरकारें थी, वहाँ के राजनेताओं ने भी कहा कि चीन जो है हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन जो मित्रता से अलग एक रिश्तेदारी है, एक संबंध है, वो जो है भारत के साथ जो है वर्षों वर्ष पुरानी है। जी हाँ, वो सिविलाइजेशनल जो हम कहते हैं, उस लेवल पर आप देखें तो हमारी स्ट्रेंथ है। और इवन दक्षिण पूर्व एशिया में, जिसको पहले इंडो चाइना कहा जाता था, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, आप देखें वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं हमारे। तो उन सब के जरिए हम लोगों के दिलों तक छू सकते हैं, लोगों के दिलों तक पहुँच सकते हैं। मोदी जी के जो संपर्क वाला जो नीति है,
कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक आउटरीच हो सके, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि पहले सेक्युलर गवर्नमेंट वगैरह के नाम पर कहते नहीं, हम तो मंदिरों में जाते नहीं, ना ही हम नज़र आना चाहिए कहीं पे। लेकिन देखिए इसमें भी एक मोड़ है, जैसे आपने कहा शेख जायद मॉस्क गए हैं वो अबू धाबी में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री गए हैं, मौका मिले तो गुरुद्वारा जाएंगे, गिरजाघर गए हैं वगैरह वगैरह। तो आप देखिए तो उस लेवल पे हमने एक नई तरह की डिप्लोमेसी छेड़ी है, जिसमें चीन के जैसे ज़्यादातर हमारी प्रतिद्वंद्वता चीन से हैं इस रीजन में, चीन की वो क्षमता नहीं है, वो सबमरीन भेज सकता है और श्रीलंका ने अभी भी मना नहीं किया, कह रहे कि अब सबमरीन आ सकते हैं लेकिन भारत को पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन चीन की सबमरीन अभी आ सकती है। लेकिन हमारी जो देखिए मोदी जी ये जो कल्चरल नेशनलिस्ट कहते हैं, इनका मानना है कि हम एक सिविलाइजेशनल फोर्स है, हमारा जो मॉरल फोर्स है दुनिया में उसको दोबारा कायम करें, उससे सॉफ्ट पावर बढ़ता है, जो नरम शक्ति कहते हैं ना लोग, कहते हैं अच्छा भारत बड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि मोदी ये सब कह रहे हैं और हमारे लिए आकर्षण पैदा होता है। चीन के लिए चीन का जो है जो सिर्फ कारोबारी रिश्ते बन सकते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते नहीं बना पा रहे जी। सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं वो लगातार मजबूत करने के प्रयास जो हैं दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तभी फलीभूत हो सकते हैं कि जब यहाँ के आम लोग और वहाँ के आम लोग जो है बहुत ही सामान्य तरीके से एक दूसरे के देशों में आ पाएँ जा पाएँ। उसके लिए आवश्यकता है ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात व्यवस्था की, वो उस लेवल पर जो है अभी तक लग रहा है कि उतना काम नहीं हुआ है। घोषणाएं तो हुई हैं इस सरकार की तरफ से, लेकिन वो कार्य जो है अभी उतनी प्रगति पर नहीं पहुंच पाया है। ये प्रतिबिंब जी सही बात नहीं है। एक्चुअली श्रीलंकन एयरलाइन जो है ना कम से कम 7 सिटीज से कनेक्टेड हैं और 10 या 13 बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट का शॉर्टेज है। लेकिन श्रीलंकन एयरलाइंस के चेयरमैन कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी साउथ इंडियन शहरों से कनेक्टिविटी करने में लगे हुए जी, हैं जी। और लाखों लोग भारत से वहाँ जाते हैं, लाखों लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ मैं चाहूँगा कि हमें पानी वाला जहाज़ से शिपिंग सही तरह होना चाहिए। अगर हवाई जहाज़ में आना जाना का मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब त्रिची से, चेन्नई से कोलंबो जाओ, तलाईमन्नार जाओ, ट्रिंकोमली जाओ, ऐसा एक शिपिंग सर्विस शुरू किया जाना चाहिए। जो सालों पहले जब ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था, आप कोलंबो में बैठ के या जाफना में बैठ के एक रेलगाड़ी का टिकट खरीद के पूरा हिंदुस्तान घूम के वापस जा सकते थे। अब ये LTTE के वार के चक्कर में काफ़ी नुकसान हुआ था, हम करोड़ों रुपया खर्च जी हाँ, उस नुकसान की भरपाई के किस तरीके से की जा सकेगी और हम लोगों के बीच जो है विश्वास का माहौल जो है आगे जो है किस तरीके से बन पाएगा, उस पर भी हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम बता दें कि सिंहस्थ कुंभ में प्रधानमंत्री एक विशेष कार्यक्रम सार्वभौम अमृत संदेश पेश करें और उन्होंने वहाँ पर साफ तौर पर कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति वो भगवा में हो चाहे किसी अन्य रंग के वस्त्र पहनकर हो, वो समाज के लिए शक्ति प्रदान करता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इनसाइड में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के बाद इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इनसाइट में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और श्रीलंका की मैत्री की, संबंधों की, और इसको हमने नाम दिया है आस्था और मित्रता। जो कार्यक्रम चल रहा है सिंहस्थ कुंभ में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और सार्वभौम अमृत संदेश जो है वहाँ दे रहे थे, और उसी कार्यक्रम में जो है मैत्रीपाला सिरिसेना जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि समाज के लिए काम करने वाला, निस्वार्थ काम करने वाला को किसी भी वस्त्र के, किसी भी रंग के वस्त्र पहने, चाहे वो भगवा हो चाहे और किसी रंग का वस्त्र पहना हो, अगर वो निस्वार्थ तौर पर समाज के लिए काम कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है तो समाज के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो संदेश है सिंहस्थ कुंभ का, उसका संदेश है सबका भला हो,
तो इसी भले को, सबका भला हो, और इस भले में जो है हमारे मित्र भी, हमारे पड़ोसी भी समाहित हो जाते हैं, और इन मित्रों में, पड़ोसियों में श्रीलंका जो है हमारा बहुत ही नज़दीकी मित्र और पड़ोसी भी है जी। बल्कि उन्होंने कॉमनवेल्थ, एक साउथ एशियन गेम्स हुए थे मुझे याद है कुछ महीने पहले, मोदी जी ने कहा था कि जो सबका साथ सबका विकास जो उनका घरेलू स्लोगन है, उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण एशिया में भी वो वही चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेट अब तो केस जानते ही हैं, जो कि हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, पर उसे छोड़कर बाकी सभीयों के साथ एक एजेंडा चल रहा है, नेबरहुड फर्स्ट जो कहते हैं, और उसमें काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। श्रीलंका भी एक कामयाबी कहूँगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पूरी तरह से हमारे वैसे जैसे वश में आ गया हो, उसका अपना डिप्लोमेसी भी रहता है रीजन में, लेकिन वो पिछले वो राजपक्ष के मुकाबले अब काफ़ी बेहतर है। और सबका साथ सबका विकास ये भी है क्योंकि अभी श्रीलंका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और भी चाहते हैं भारत से आर्थिक विकास के मामले में इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट कोशिश में है, अब देखिए हो पाता है कि नहीं इस साल, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो ये पिछले इससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ करती, तो ये जो मामले हैं जिससे कि आम लोगों के रोज़मर्रा की जो जिंदगानी वो बेहतर हो सकती है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी जा रही हैं, तो उस सबको एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। श्रीलंका में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत के विरोधी भी होते हैं और वो हंगामा करते हैं कि ये नहीं, ये तो एक इससे दासत्व हो जाएगा और भारत हावी हो जाएगा हम पर वगैरह, लेकिन असलियत यह है कि उससे फायदा मिलता है श्रीलंका को, उनके अपने जो व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों से फायदा है। कुछ सेंटिमेंट्स हैं कि भारत के आईटी इंजीनियर्स वगैरह आ जाएंगे और हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी वगैरह, तो ये जो मामला है मेरे ख्याल से ये कोर है अभी इस साल, क्योंकि जंग तो खत्म हो गई है वहाँ पे, एक तो रिकन्सिलिएशन है सिंगलीज और तमिल्स के दरमियान जिसमें भारत कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, देखिए संबंधन और सिरिसेना दोनों आ गए यहाँ पे, और दूसरा है आर्थिक, तो इसमें हमारी क्योंकि चीन जो है उसमें काफ़ी आगे हैं क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा भंडार है देने के लिए, लेकिन भारत एक तरह से अपनी जो सटीक तरीके से अगर करें, हाउसिंग में हम शामिल हैं वहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशंस में शामिल हैं, टूरिज्म के बढ़ोतरी में, इवन एक्सपोर्ट जो कहते हैं ज़्यादा उनके जो एक्सपोर्ट्स हमारे आते नहीं हमारी तरफ, उसकी वजह ये नहीं कि हम उन्हें रोक रहे हैं, उनकी अब जो अपनी एक्सपोर्ट बेस है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की, उसको हमें बढ़ावा देना होगा। नारायण सर, जो है कल्चरल डिप्लोमेसी है या फिर कोई और वजह है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि व्यापारिक रिश्ते भी जो हैं खासे मजबूत हुए हैं, और 2013 के मुकाबले 23.37% के व्यापार की वृद्धि हुई है भारत और श्रीलंका के बीच, कहीं ना कहीं चीज़ें कारगर तो सिद्ध हो रही हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिबिंब, आप श्रीलंका जाओगे तो एयरपोर्ट कोलंबो में उतरोगे, टैक्सी में बैठोगे मारुति का है, ऑटो रिक्शा में बैठोगे तो बजाज का है, ठीक है, अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कहीं वहाँ जाएँ जी, सब कोयम्बतूर और केरला के बने हुए हैं जी, ठीक है, और दाल जो है जो भारत से वहाँ जाता है, आप ज़्यादातर जो टैमिल्स वगैरह यहाँ इंडिया आते हैं वापस जाते से हम क्या ले जाते हैं पता है आपको जी, दाल। अच्छा। जैसे पाकिस्तान जाने वाले पान के पत्ते ले जाते हैं जी, तो दाल आप मद्रास एयरपोर्ट में खड़े होकर जो कोलंबो जाने वाले फ्लाइट में क्या क्या ले रहे हैं देखोगे तो पता चलेगा, कहने का मतलब ये के साइकोलॉजिकली और हर तरह देखा जाए तो श्रीलंका के लोग मानते हैं भारत हमारे मित्र है, और यहाँ के बौद्ध मत जो है भारत से आया हुआ है, तो पर्सनली रिलेशंस जबरदस्त हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है जो दिल्ली का पॉपुलेशन, ठीक है, तो एक बार तो मैं समझता हूँ श्रीलंका इज़ ए कंट्री विद ए बुद्धिस्ट मेजॉरिटी विद ए माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जब ये तमिल समस्या बहुत सीरियस था, एक बार मैं वहाँ के प्रेसिडेंट जयवर्धना से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखो जी हम तो बुद्धिस्ट हैं, छोटा मुल्क है, और ये तमिल जो है ना हिंदूस है, अगर कुछ होता है तो वो इंडिया जा सकते हैं, हम कहाँ जाएँ, इंडियन ओशन में डूबें क्या जी। इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी कम्युनिटी इनसिक्योरिटी, ये हम ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ श्रीलंका ही नहीं नेपाल भूटान इवन पाकिस्तान जी। क्योंकि दक्षिण एशिया में हमारा पॉपुलेशन और हमारा इकोनॉमी
साइज जीडीपी वगैरह मोर देन 80% 80% भारत का है जी. तो हम इनके ऊपर दादागिरी नहीं करना चाहिए, प्यार से बर्ताव करो. और वो लोगों को नहीं कहते हमारे साथ दोस्ती करो चीन से नहीं इधर से नहीं, ये मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना और चाहिए. इस युग में ऐसा संभव भी नहीं है. बिल्कुल का युग है, वहाँ पर आप कहें कि जो है दूसरे देश के साथ संबंध ना रखें और हमारे साथ ही रखें. और इस बात को जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी समझते भी हैं और उसका जो है कहीं ना कहीं प्रसार भी कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरे के साथ संबंध अच्छा बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ खराब हो जाएंगे. बिल्कुल, ये भी सीधा है. एक बात और है, रामायण काल की चीज़ों को लेकर, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे स्थान हो, चाहे किरदार हो, उनको लेकर यहाँ पर ज़्यादातर चर्चा ये रहती थी कि उम्मीद हैं या असलियत हैं. लेकिन श्रीलंका ने जो है कभी भी रामायण काल से जुड़े हुए चीज़ों को, चाहे स्थान हो, चाहे स्ट्रक्चर्स हो, उनको मिथ से जोड़ने की कोशिश नहीं की. और इसलिए वहाँ पर जो है रामायण काल से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जो है पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा आया है. लेकिन भारत में भी क्या इस तरीके का बदलाव जो है पिछले 2 वर्षों में आ रहा है बुद्धिस्ट स्तूपों वगैरह की तरफ? जी हाँ, देखिए अब देखिए दोनों एक तरह से दो धाराएं जो कभी कहीं ना कहीं मिली हुई है. हमारी जो फिलॉसफी के लेवल पे आप देखें जी, तो अद्वैत फिलॉसफी है और बुद्धिस्ट, तो काफ़ी इनमें मेलजोल हैं. और इसको हमें इसका बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा हमें, क्योंकि जैसे एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट कांग्रेस होता है वो भी हमने आयोजित किया है. इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं उससे हमारा, जैसे मैंने कहा, सॉफ्ट पावर है भारत का बढ़ता है और विश्वास बहाली भी होती है. और ये जो सीज मेंटालिटी आपने कहा ना, सिंगलीज अपने आपको माइनॉरिटी समझते हैं, इसको भी मिटाने की तरफ ना ये बड़ा कदम है. सारनाथ अगर जा रहे हैं और धर्मपाला, जो एक्चुअली आप धर्मपाला का करियर देखिए, जिनका आज उद्घाटन करेंगे एक मूर्ति, वो 19वीं सदी में उन्होंने बुद्धिज्म को वापसी की भारत के अंदर, पूरी जो सब कॉन्टिनेंट है. और एक तरह से जो कट्टर हिंदू अपोजिशन थी और मुस्लिम जो नेता थे उनके खिलाफ धर्मपाला ने आवाज भी उठाई थी. तो वैसे शख्सियत को अगर आज उनका सम्मान किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है हमारी यहाँ पे, ये कोई हार्ड राइट विंग नहीं है बल्कि अब ये सेंटर है जी. और ये दर्शाती है पॉलिटिकली भी, आप देखें ये बड़ा मैसेज जाता है. बीजेपी ने ये ऑर्गेनाइज किया, आप देखिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन सिमस कुंभ में इन सब जो पड़ोसी देशों से लोगों को बुलाया है वो बीजेपी पार्टी की भी अपनी डिप्लोमेसी है. तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी पहल है जी. हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और नए मेहमान जो है इस चर्चा में जुड़ जाएंगे. लेकिन फिलहाल ले लेते हैं इनसाइट में छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इनसाइट में हम चर्चा कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों की और इसको हमने नाम दिया है आस्था और मित्रता. जी हाँ, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि एक और नई मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे चर्चा में और उनका परिचय मैं करवा देता हूँ. गुलबिन सुल्ताना जी हैं, रिसर्चर IDSA. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप काफ़ी देर से आई हैं लेकिन चर्चा मैं बता देता हूँ कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, सिंहस्थ कुंभ में पहुँचे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है और सार्वभौम अमृत संदेश दिया है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत सारी बातें कही हैं. और उसमें एक बात ये भी कही है कि हमारा वैश्विक दायित्व है जोड़ने के लिए, जो है हमें अपने अंदर के गुणों को बाहर निकालना होगा. और दूसरा उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम उस संस्कार से जुड़े हुए हैं या उस संस्कार से जो है संबंध रखते हैं जहां पर कहा जाता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला. और कहीं ना कहीं उन्होंने वैश्विक स्तर पर जो है संदेश देने की कोशिश की है क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति तो हैं ही, 4 अन्य देशों के राजनेता वहाँ पर मौजूद हैं. किस तरीके से लेते हैं इस कल्चरल डिप्लोमेसी को? कल्चरल डिप्लोमेसी एक दोनों देशों में मित्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड इसलिए मैं सोचती हूँ उस सेंस में कल्चरल डिप्लोमेसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. लेकिन उस हिसाब से इस दौरे को मैं बहुत महत्व देती हूँ. लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दो देशों में जब मित्रता बढ़ाई जाए सिर्फ एक एंगल पे हम फोकस नहीं दे सकते. कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें और भी जो बाकी हमारे रिलेशंस है उसमें भी महत्व देना बहुत ज़रूरी है. ये बोलते हुए मैं ये बोलूँगी कि ये ऐसे
जैसे ये महाकुंभ में आए हैं, ये सब तो कल्चरल रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये एक मौका भी होता है हायर लेवल पे दो लीडर के बीच में, दोनों देशों के लीडर के बीच में बातचीत करने में, बातचीत उन विषय में जिसमें हमारे बीच में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, और कैसे आगे उसको समाधान किया जाए। तो उसके लिए ऐसे जो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे मौका अगर हमें मिले तो इसको हमें अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। तो उस हिसाब से इस जो विज़िट को मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ हमें एक ही एंगल पे फोकस नहीं देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो इंटरेक्शंस है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है ऐसे इंटरेक्शन हायर लेवल पे हो रहा है, लेकिन उसके बाद जिस इंटरेक्शन में जो डिस्कशंस दोनों लीडर करते हैं एंड उसके बाद उसमें जो ग्राउंड रियलिटी में उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसा है, उसमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज प्रेसिडेंट श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो उनका वो 2015 में भी आए थे एंड बहुत सारे विषय पे हमने चर्चा की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे विषय को लेके चर्चा किए। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, उनका जो विदेश मंत्री वो लोग भी आए थे एंड बहुत सारे विषय पे चर्चा हुआ। लेकिन उसके बाद अगर एक साल में हम देखें तो कुछ कुछ विषय में शायद थोड़ा सा हमने दो तीन मीटिंग के बाद बहुत सारे इश्यूज पे अभी हम सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाए। श्रीराम जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो है चर्चाएं हुई हैं दोनों तरफ से, जो है कल्चरल डिप्लोमेसी भी हुई है, लेकिन जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है, जिसमें से शायद एक रेल सेवा भी जो है तैयार करने की या जोड़ने की, समुद्री इलाके से वो भी एक घोषणा की गई थी, या एक राम सेतु से जुड़ा हुआ एक ब्रिज जो है बनाकर जो है श्रीलंका और भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास जो है उसकी भी एक घोषणा की गई थी, लेकिन वो अभी ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं हुई है वो घोषणाएं। जी हाँ, एक पावर ट्रांसमिशन का भी प्लान था जिससे कि बिजली एक जगह उत्पाद हो और दूसरी जगह बेची जाए, जैसे हम बांग्लादेश और भूटान के साथ कर ही रहे हैं। जी तो जी हाँ, ये सब क्षेत्र हैं जिसमें अभी करने हैं हमें बहुत कुछ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डील हमारे सिस्टम में क्यों यूं भी आ जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो उतनी तेज़ नहीं है जितनी मोदी जी हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ई वीज़ा करा ले 100-150 देशों के साथ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अभी भी वीज़े आसानी से नहीं देती है। अभी भी कई मुल्कों के लोग हैं जो परेशान हैं कि ये भारत आना इतना असंभव है अभी भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सेम श्रीलंका के साथ आप देख लें तो मेरे ख्याल से प्रगति तो हुई है, लेकिन जो की कनेक्टिविटी है उसमें अभी देरी है। इवन म्यांमार के साथ भी हम फंसे हुए हैं, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बननी थी वो पीछे धकेला जा रहा है कि कब उद्घाटन होगा उसका, 2015 था, अब 16-17-18 कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक जो है, मोदी जी का जो वादा है कि बहुत ही तेज़ चलने वाली सरकार है, हुकूमत है, उस पर ज़रूर प्रेशर है, एक चैलेंज है जो आगे अभी 2 साल उनके ख़त्म होने हैं, तो एक रिव्यू भी हम कर सकते हैं कि किस हद तक फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी हो पाई है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी इन्होंने एक लफ्ज़ निकाला था जब पहला जब एनिवर्सरी हो रहा था 2015 में, तो तब से लेकर ज़रूर है कि देखिए लोगों के दिलों में हम ज़्यादा फैल चुके हैं ये सांस्कृतिक माध्यम से। दूसरा आर्थिक कर ही रहे हैं, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से वो 80% जो काम है वो कर देगी। और जहाँ तक रही मिलिट्री मामलों में, उसमें तो चीन का तो है ही प्रेजेंस, और रानिल विक्रमसिंघा कह रहे हैं कि वो चीन की सबमरीन्स आती रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत तालमेल बेहतर है अभी। तो हमें ये जो सेंसिटिव हैं ये सारे मामले नेबरहुड में, सारे जो छोटे मुल्क हैं वो सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बैलेंस और एक कार्ड रखें भारत के साथ भी निगोशिएशन के लिए, तो चीन एक कार्ड उनके लिए बन गया है। तो अब देखने पड़ेगा, देखिए इंडियन ओशन हमारा प्लान है ब्लू इकोनॉमी मोदी जी का। नारायण जी से मैं जानना चाहूँगा कि भावनात्मक रूप से तो जो है काफ़ी घोषणाएं हुई हैं और जो है आदान प्रदान भी हुआ है और जो है दौरे भी हुए हैं राजनेताओं के दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन चीन जो है अगर किसी बात का वादा करता है या घोषणा करता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है, इसलिए शायद प्रभाव जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम जैसे कि आपने कहा, श्रीराम जी ने भी और गुलबिंद जी ने भी कहा कि ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा घोषणाएं दूर रह गई हैं और कहीं ना कहीं जो है उसमें अधिकारी जो हैं या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है कहीं ना कहीं उस तरीके का सपोर्ट नहीं दे रही है सरकार को। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ प्रतिबिंब। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल नहीं है। मोदी जी घोड़े जैसा दौड़ना चाहते हैं,
ब्यूरोक्रेसी एक गधा जैसा हो रहा है. सर, नो रिफ्लेक्शन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एज ए होल, बट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन इतना धीमा चलती है, इतना धीमी चलती है कि आप पूछो मत. ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं और तेज़ी से होना चाहिए, नहीं हो पाते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी मदद करके और तेज़ी से ले जाना चाहिए. लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है और हमारे और नेबरहुड कंट्रीज और दूसरे मुल्कों से कोई टेंशन है ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से नहीं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से. जी. और नो रेल ट्रैक श्रीलंका में काफ़ी रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हो गया है. ये राम सेतु के बारे में अब शिपिंग मिनिस्टर से हमारी बात हो रही थी कि हम ऑलरेडी इंडिया सार्क समिट में नेपाल में हुआ था, भूटान में जाके रिसेंटली इंडिया से लेकर आप पाकिस्तान के सिवा इधर भूटान नेपाल बांग्लादेश और इंडिया मिलके एक समझौता कर चुके हैं. अगर ये ब्रिज कनेक्टिंग इंडिया विद श्रीलंका बन जाए तो फिर वहाँ भी लोग ड्राइव करके जा सकते हैं, सामान भी. एज इट इज दक्षिण एशिया में श्रीलंका इतना छोटा सा मुल्क है, सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश 16-17-20 तक करोड़ तक है. आप जानते हैं कि श्रीलंका इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया, $5 बिलियन. जी. अगर हम शायद सार्क देशों में दूसरे नंबर पर है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक जो है साझेदार है हमारा, पहला है, नंबर वन, $5 बिलियन. जी. अगर ये ETC इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट हो जाए, फिकी ने कहा कि $10 बिलियन हो सकता है. लेकिन वहाँ एक फियर साइकोसिस है कि अगर हम ये सर्विसेज में भी अग्रीमेंट करें, काफ़ी लोग भारत से जाके वहाँ कब्जा करेंगे नौकरियों को, वो बेकार हो जाएंगे. आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू. लेकिन ये भारत को समझाना बहुत ज़रूरी है. जी जी जी, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं जो है भारत अगर एक बड़ा पक्ष या फिर बड़े भाई होने का एक रोल निभाना चाहता है तो वहाँ के लोगों की जो परेशानियाँ हैं या फिर जो है जहन में कुछ डर बैठा हुआ है उसको दूर करना भी जो है हमारा जो है एक पक्ष होना चाहिए. बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से. लेकिन आपके सवाल से पहले मैं जो आपने से पहले जो सवाल किए थे रेल लाइन की, उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ. इंडिया आई थिंक रेलवे लाइन की जब बात करें विद इन श्रीलंका, 2 रेलवे लाइन्स, साधन रेलवे लाइन्स एंड नॉर्दर्न रेलवे लाइन्स. साधन रेलवे लाइन सुनामी के बाद जो उन लोगों का डैमेज हो गया था उसमें हमने किया और वो कम्प्लीटेड है, सक्सेसफुली हमने कम्प्लीट किया, उसमें असिस्टेंस हमने दिए थे. और नॉर्दर्न रेलवे लाइंस में भी काफ़ी एरियाज़ में हो रहा, जो वॉर के वजह से जो डैमेज हुए थे उसको भी हमने रिपेयर वर्क में असिस्ट किया है, तो अच्छा कर रहा है उसमें. लेकिन जो यहाँ के जो इंडिया श्रीलंका का जो कनेक्टिंग ब्रिज के बात कर रहा है, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बातें बोलना चाहती हूँ. हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट हमने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि हम इसमें शुरू करने वाले हैं, बट आई थिंक लास्ट मंथ में श्रीलंकन मीडिया में एक मिनिस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हो रहे थे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा डिसीजन हमें, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है. ऐसा ऐसे किसी ब्रिज के बारे में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ बात नहीं की. तो आई थिंक ये सब चीज़ें भी हमें, हम कभी सोचते हैं कि डिसीजन लिया गया है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे तो मिनिस्टर बोल रहा है कि हमें बताया ही नहीं गया है, कोई हमने डिस्कस भी नहीं किया है. तो ये सब चीज़ें भी देखना चाहिए. लेकिन अगर 2 साल की बात करें, अगर ये कल्चरल डिप्लोमेसी सफल हो रही है, सफल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में भी जो है हम लोगों ने प्रगति की है और 23% से भी ज़्यादा जो है हमारा व्यापार बढ़ा है. मैंने दोनों मेहमानों से इस बारे में चर्चा की है, आपसे जो है चर्चा करना रह गया है. तो क्या व्यापारिक संबंध जो है हमारे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी हमारी जो है कल्चरल डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है या कार्य कर रही है? इसमें मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ. आप अगर श्रीलंका में जब विज़िट करेंगे, उनके वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे, जब इंडिया के लोगों के प्रति उन लोगों का कोई अच्छा, उन वो लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा है, बिकॉज एक वो लोग हमेशा अराउंड 1.5 लाख लोग हमें एवरी ईयर आते हैं श्रीलंका से, जो हमारे बुद्धिस्ट गया में जाने के लिए जो आप नारायण जी आप बोल रहे थे. और हाँ जी, यही नहीं, हमारे फिल्मी कलाकारों के भी जो है फैंस हैं और हमारे बजाज हो, जो हमारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो जो हैं बाजार में और रोड्स पर जो हैं बाकायदा नजर आते हैं. राइट, कल्चरल लेवल पे हमारे आई थिंक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे हैं एंड वो
इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन है, मैं कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ. प्रॉब्लम आता है जब वो इंडिया को एक पॉलिटिकल एज पॉलिटिकल एक्टर देखते हैं. एज कल्चरल एक्टर दे रियली लव इंडिया, दे लाइक इंडिया बिकॉज एक सिविलाइजेशनल टाइज है. तमिल्स के साथ तो है ही, इवन सिन्हालास दे थे वो लोग, उनको वो बोलते हैं कि हम इंडिया से ही गए हैं, हमारे ओरिजिन इंडिया से ही है. तो इसीलिए इंडिया को जब एक कल्चरल एक्टर एज देखते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम होता है जब इंडिया को एक पॉलिटिकल एक्टर देखते हैं. देयर इज़ अ फियर साइकोसिस एज यू मेंशन. प्रॉब्लम है, हमें उस पर काम करना है कि ये जो फियर साइकोसिस है इसको कैसे हटाया जाए. बहुत सारे चीज़ों में मैं मानती हूँ कि हमने शायद इसमें ज़्यादा काम नहीं किया है. जैसे भारत सिर्फ तमिलों के ही हित में बात करती है, तमिलों के ही चक्कर में है, और सिंगल तो सिंगलिस और भी ज्यादा एक तरह से जैसे सख्त रवैया उन्होंने अपना लिया. अगर आप डेवलपमेंटल असिस्टेंट, बिकॉज 2009 के बाद हमने काफ़ी सारे डेवलपमेंटल असिस्टेंट अनाउंस किया है, हम कर भी रहे हैं. 500 करोड़ हमने अनाउंस किया था, लेकिन उसमें आप अगर देखें तो सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ एंड ईस्ट में हैं जो तमिल डोमिनेटेड एरिया है. तो सिन्हाला पॉपुलेशन को लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे इंडिया इज, वो लोग सिर्फ तमिल के बारे में सोच रहे हैं, सिन्हाला एरिया के लिए, सिन्हाला लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं. और उसकी वजह भी ये है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो काफ़ी श्रीलंका पे मतलब जुड़ा हुआ है ना. जैसे जयललिता जी ने कहा कि जब तक हमारे मछुआरे जो अभी बंदी हैं जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, मैत्रीपाला आ ही नहीं सकते हैं. बट ये है कि गनीमत है कि अभी जो सरकार है वो किसी पर निर्भर नहीं है, हालांकि राज्यसभा में है आप जानते हैं. तो एक तरह से बेटर है, पिछले जो यूपीए सरकार थी वो बिल्कुल ही जैसे बहुत बंदिशों में थी, क्योंकि जयललिता या जो भी करुणानिधि जो भी थे उनकी बात माननी पड़ती थी, और उसकी वजह से काफी मामला खराब हुआ था. तो आगे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि अगले 3 सालों तक तो मोदी जी को किसी कोएलिशन पार्टनर की दरकार नहीं है. हो सकता है दूसरे टर्म अगर उनका आए तो शायद पड़े. तो अभी मौका है कि एक क्लियर पॉलिसी करें, वो भी मैं कहता हूँ मल्टी वेक्टोरल, जो कि सिंहली तमिल दोनों को बैलेंस करें. जी नारायण जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देर आए दुरुस्त आए की राह पर कम से कम ये सरकार है. हमने दरवाज़ा खटखटाने में देर लगा दी है, मैत्री के दरवाज़ा और कल्चरल जो बॉन्डिंग है उसको जो है कहीं ना कहीं एनकैश कराने में हमने थोड़ा सा देरी कर दी है, लेकिन अब जो है चीज़ें जो है ट्रैक पर आ गई हैं. बात यह है कि ये हमारा जो मदद श्रीलंका को मिल रहा है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं है, हम दूसरे प्रांतों में दक्षिण जहाँ सिंगलिस बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में रहते हैं वहाँ भी काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं. हम जानबूझ के कॉन्शियसली डिसीजन लिया जा रहा है कि अगर कोई 2-4 हॉस्पिटल्स नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कर रहे हैं दक्षिण में भी करेंगे. और इंग्लिश टीचिंग भी ज़बरदस्त चल रहा है ये 3 लैंग्वेज फार्मूला के सिलसिले में, क्योंकि वहाँ लैंग्वेजेस भारत में अपने मातृभाषा इंग्लिश और हिंदी से चल जाता है काम, चल जाता है. वहाँ ऐसा नहीं है, वो ग्रेजुएट भी हो सिर्फ सिंगला ही बोल सकता है, तमिल नहीं आता है उसको, वो इंग्लिश भी नहीं बोल सकता है. सो राजपक्षा जो हमारे खास दोस्त नहीं थे फिर भी कलाम जी वहाँ जब प्रेसिडेंट थे वहाँ गए थे और वो इनॉग्रेट करके आए हैं. कहने का मतलब ये है कि वहाँ ऐसा कोई इंडिया से सिर्फ दैट माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से डर सा है जी, लेकिन उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. और हम मैं ये कहना चाहूँगा इंदर कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे ये गुजराल डॉक्ट्रिन बोल के एक शुरू किए थे कि ये कह रहे थे कि भाई हम बड़े भाई होने के नाते वी शुड गिव टू पीपल, हम इक्वल नहीं बायलैटरल होना चाहिए. अगर हम 10 लोगों को जाने देंगे तो आप भी 10 लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए. जी जी गुलबीन जी, क्योंकि समय जो है समाप्त हो रहा है, अभी तक की प्रगति को किस तौर पर देखते हैं? 2 साल में सरकार ने जो है श्रीलंका के साथ मैत्री संबंध बढ़ाने के क्षेत्र में कितना काम किया है? मैं 2 साल नहीं लूंगी, क्योंकि 2 साल पहले महिंदा राजापक्षा श्रीलंका में थे, तो मैं मैत्रीपाला सिरिसेना के टर्म से मैं शुरू करूंगी. 2015 जनवरी न्यू रिलेशन शुरू हुआ था जब मैत्रीपाला सिरिसेना वहाँ के प्रेसिडेंट बने. सो इस 1 साल में मैत्रीपाला सिरिसेना के विजिट के बाद आई थिंक हम 3-4 इशूज़ में हमने सोचा था कि हम विषय को थोड़ा आगे बढ़ेंगे जो थोड़ा स्टक हो गए थे, जैसे एक इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फिशरमैन इशू, आपका जो रिपेट्रिएशन ऑफ रेफ्यूजीज जो हमारे यहाँ पे है, ये सब विषय में हमने सोचा है कि एक जल्दी से जल्दी जितना इसमें कार्रवाई किया जाए करना चाहिए. शुरू में
टुवर्ड मार्च अप्रैल तक आई थिंक बहुत अच्छे से 2-3-4 मीटिंग भी हुए थे हाई लेवल मीटिंग के बाद भी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है चीज़ें धीमी पड़ गई है फिशरमैन इशू में, दो एक लेवल वन। चलिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और हम यही आशा करेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की ये जो धार्मिक यात्रा है या फिर जो है सिंहस्थ में जो क्षिप्रा में जो डुबकी लगाने वाले हैं वो भारत और श्रीलंका की मैत्री को और बढ़ावा देंगे, मजबूत करेंगे हमारे संबंधों को। और आप तीनों आए और इस खास विषय पर आपने जो है अपने इनपुट्स दिए, समीक्षा की पूरे मामले की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय इनसाइट में इतना ही, इनसाइट में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक प्रतिबिंब को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।